नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अहमदाबाद हलके के मादसिंगाना गांव में पहुंची सीएम मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा। मादसिंगाना में सीएम मनोहर लाल का जोरदार स्वागत किया गया। अहमदाबाद हलके के बाद रानिया डब्बावाली कालावाली और विधानसभा से होते हुए शाम 6 बजे सिरसा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने मादसिंगाना में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि काम किया है और काम करते रहेंगे। समान विकास की बात को फिर से दोहराया। जनता से की आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने की अपील। पलपल सिरसा से अमर सिंह जाणी की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा आज सिरसा के 5 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है। इसी कड़ी में डिंग मंडी से सिरसा में प्रवेश करने के बाद नासरी चौपटा जमाल और अन्य गांवों से होते हुए अहमदाबाद हल्के के मादसिंगाना गाँव पहुंची। इस मौके पर हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन पवन बेनीवाल, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल व अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव मादसिंगाना में उनके जोरदार स्वागत में उमड़े जन समूह का संबोधित करते हुए कहा कि सिरसा की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद इस यात्रा को दिया है उससे साबित होता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सिरसा में फिर से एक कमल खिलेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में सिरसा की जनता भाजपा का साथ देगी। उन्होंने कहा कि सभी 5 सीटों पर कमल खिलना पूरी तरह निश्चित है। मुख्यमंत्री ने समान विकास की बात को दोहराते हुए कहा कि काम किया है और काम करते रहेंगे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील भी की। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। अगले चुनाव में अभी 1 महीने बाद यही अवसर आने वाला है। आपको आपका कोई कागज हो तो दे दो और नहीं तो हमारे कोई मिलने इनको इनके परिवार की वो कठिनाई बता रहे हैं। इसको तुरंत एसपी साहब उनको मिलवा करके और इनके बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस बहन का कोई कागज आपका है इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने बनाई और आपकी सेवा दिन रात एक करके सेवा की, कभी पीछे मुड़ते देखा नहीं है। हमने तो विकास के काम भी बिना भेदभाव के कराए, चाहे कोई इलाका हो। हालांकि सिरसा जिले की भागीदारी भले नहीं थी सरकार में, लेकिन फिर भी हमने भेदभाव नहीं किया। विकास के काम, गरीब परिवारों के, गरीब लोगों के उनके आगे बढ़ने के सब योजनाएं हमने पहले कराई। काम इतने कराए हैं, काम इतने हुए हैं कि गिनाने लगेंगे तो यात्रा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, हम तो केवल आज आए हैं कि इस बार आपकी भागीदारी सरकार में जरूर हो। 5 की 5 सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। आपको यदि हमारी सरकार अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। जो बोले सोनिया,
अगले चुनाव में अभी एक महीने बाद फिर ये अवसर आने वाला है, आपको आप हमको अपना आशीर्वाद देंगे। बुजुर्ग नौजवान साथी कार्यक्रम को यात्रा को स्वागत करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।